Hey, hi, welcome to JD Entertainment. My name is Fahad Zariwala. मैं विजय सर के साथ हूँ, who's a horse trainer. और हम हैं पी पी सवानी इंटरनेशनल स्कूल पर और ये है सूरत में. जी हाँ जी. विजय सर, जनरली लड़के बहुत आते हैं इसमें. आपके यहाँ पर मैं देख रहा था 5 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 लड़कियाँ थी. सो कितना आपका परसेंटेज कितना लड़कियों का? काफ़ी कम है यहाँ पे लड़कियों को राइडिंग के लिए आना, लेकिन 2 राइडर है अभी मेरे पास. एक बच्ची है 8 साल की और एक यंग लेडी है जो राइडिंग के लिए डेली यहाँ पे बेसिक में आ रही है अभी. तो लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है? नहीं, सेम ही ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि घोड़ा घोड़ी के ऊपर आप तो लड़का बैठो या लड़की बैठो सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंट वो नहीं रहता. बट उनकी ज़्यादातर स्किल जो है मेरे ख्याल से लेडीज के अंदर वो ज़्यादा रहता है, अगर लेडी राइडर हो. लेकिन अपने यहाँ थोड़ी वो शाई फील करने की वजह से और घर से परमिशन नहीं मिलती मेरे ख्याल से, तो वो लोग राइडिंग में कम आते. बट मेरे पास स्कूल से काफी ऐसी लड़की आया जिन्होंने नेशनल तक कंपटीशन किया. अच्छा जी, ठीक है. तो हम एक स्टूडेंट से मिलेंगे आपके. हाँ जी, हाँ. और उनसे उनके डैड से पहले बात करेंगे. क्या नाम है इनका? उनके डैड का नाम है भावेश भाई, मेरे काफी अच्छे दोस्त. नमस्ते भावेश जी. भावेश जी, इफ यू कैन होल्ड द माइक. भावेश जी, बहुत कम लड़कियां जो होती है हॉर्स राइडिंग में अपना कदम बढ़ाती है जी. सो आपने इनकरेज किया कि इनको शौक था आपकी बेटी को? थोड़ा उसको शौक भी था और मैंने उसको ये इसलिए इनकरेज किया कि ताकि उसके अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो. और यहाँ पे अपने देश में ये माना जाता है कि लड़कियाँ लड़के से कम है, और मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ लड़के से कम नहीं है, ये दिखाने के लिए भी उसको ये चीज़ करवा रहा हूँ. और कितने समय से ये कर रही है? ये अभी शायद 1.5 महीना हुआ है अभी. 1.5 महीना हुआ. आपने फोर्स किया कि इनमें खुद इंटरेस्ट आया? वो अपने आप मेरे से बोल रही थी कि पापा कि मुझे राइडिंग सीखनी है. जी हाँ. फैंटास्टिक. मैं बात करना चाहूंगा, क्या नाम है इनका? वैदेही नाम है. वैदेही शिरोया. इफ यू कैन होल्ड द माइक. वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग वैदेही. वैदेही, कौन सी स्टैंडर्ड में हो आप? 9th स्टैंडर्ड में. व्हाट गॉट यू इनटू हॉर्स राइडिंग? हॉर्स राइडिंग में आप कैसे, यानी कैसे इंटरेस्ट आया? मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था. पहले से ही आपको इंटरेस्ट था? तो आपके घर में कोई हॉर्स राइडर है? मेरा भाई है और मेरे डैड. अच्छा, आप खुद एक हॉर्स राइडर हो? जी. अच्छा, तो आप ही से आया, आई थिंक ये ब्लड में है फिर आपके. और क्या सीखा आपने अभी? तो पहले से पहला वॉक, बाद में ट्रॉट. ओके. और बाद में कैंटर. विजय सर के बारे में क्या कहना है, कैसे ट्रेनर है? वो बहुत अच्छे ट्रेनर है और मेरे फेवरेट गुरु है. अच्छा, आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं टोटल? अब तो 2 ही है. 2 नहीं, टोटल टोटल स्कूल में 20. और 20 में से कितने लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं? कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो. तो आपको लोग अलग तरीके से देखते हैं? आई मीन, डू दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट कि भाई ये थोड़ा कुछ अलग काम कर रही है? यस. ठीक है, आपको हॉर्स राइडिंग सीख के कुछ अलग फील होता है, यानी यू फील वेरी कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस फील हुआ आपको एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट? कोई करियर बनाना चाहती हो इसमें क्या, शौक के लिए? सर, करियर बनाना चाहती. करियर बनाना चाहती हो? क्या क्या करना चाहती हो इसमें? राइडर बनना चाहती हूँ और ये चंप करना चाहती हूँ. चंप करना चाहती हूँ, ठीक है. विश यू ऑल द बेस्ट. लवली टॉकिंग टू यू वैदेही. वैदेही लिटिल शाई, बट थैंक यू सो मच. इफ यू कैन ऑल द वे. विजय सर, विजय सर कितना समय लग जाएगा वैदेही को, एंड हाउ इज शी एज अ स्टूडेंट? वो जितनी जितनी ज़्यादातर प्रैक्टिस करेगी, जितना ज़्यादा आएगी, जितना ज़्यादा घोड़े के साथ रहेगी, उतनी जल्दी सीख जाएगी. अभी 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छा करा है उसने. एंड आई थिंक कि और 3-4 महीने मेहनत कर ले थोड़ी, तो वो राइडर तो अच्छी है ही, बट एडवांस ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेगी. ओके जी. अच्छा, घोड़े के बारे में बताया वैदिक, जिस घोड़ा है, घोड़ी है? घोड़ी है, ट्यूलिप नाम है, मारवाड़ी ब्रीड की घोड़ी है और 5 साल की है ये घोड़ी. और बहुत ही तेज दिमाग, मतलब उसको आप इशारे पे चलने वाली घोड़ी है एकदम, और बेसिक के बच्चों के लिए काफी अच्छी है. अच्छा, ये लड़की है तो इसको मारवाड़ी आपने दिया, ऐसा इंटेंशनली सोच के दिया? ना जी ना, ऐसा इंटेंशनली कुछ नहीं है. मारवाड़ी, काठियावाड़ी, हाँ जी, कुछ नहीं. लेकिन वो घोड़ा उतना बेसिकली ट्रेंड है कि वो बच्चे के साथ अच्छे से चले, उसको टैकल करके. अगर वो बच्ची कुछ गलती करेगी तो ये घोड़ा उसको संभाल लेगा वो. अच्छा, काठियावाड़ी भी है आपके पास, मारवाड़ी भी है, कौन सा घोड़ा बच्चों के लिए बेटर है हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए? मेरे लिए तो दोनों ब्रीड बेटर है. काठियावाड़ी भी, इनके लिए भी दोनों ब्रीड ही बेटर है, क्योंकि
काठियावाड़ी या मारवाड़ी ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो सब पे राइड करेंगे और सबको कंट्रोल करके, आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी पोटेंशियल है, वो हिसाब से आप घोड़ा कंट्रोल करो। तो वैदे ही सिर्फ इसी पे राइड कर दिए शुरुआत से, इन्होंने काठियावाड़ी पे नहीं राइड किया? नहीं, स्टार्टिंग उन्होंने काठियावाड़ी हॉर्स पे ही बिठाया, मैंने ये जो झांसी आप बगल में जो खड़ी है वो घोड़ी से उतने स्टार्ट किया, एंड देन अभी ये लीडिंग वाली घोड़ी है ये ट्यूलिप जो, उस पे राइड करती है डेली। वैदे ही आपको काठियावाड़ी घोड़े पे राइड करना आसान लगता है क्या मारवाड़ी पे? ज्यादा क्या, अगर रेट करोगे 1 और 2 विच वन इज बेटर? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी इज बेटर। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया ना? ना ना ना, इन्होंने सच दिल से बोलो काठियावाड़ी, बट बैठे हो आप मारवाड़ी पे, ठीक है, इसको बुरा लग जाएगा, ठीक है। चलिए ट्यूलिप डोंट फील बैड, ठीक है, शी स्टिल लव्स यू। चलिए वंस अगेन, आप काठियावाड़ी के तरफ थोड़े बायस्ड हो बिकॉज गुजरात की ब्रीड है जी, गुजरात की बेसिकली सौराष्ट्र काठियावाड़ी की ब्रीड है और पहले से ही रखी हुई है हम लोगों ने घर से पीढ़ी दर पीढ़ी, ये तो हमारे वहाँ है ही पहले से। ओके, तो हमारे टाइप है, ज्यादा हम लोग को ज्यादा इजीली समझ लेते हैं ये घोड़े। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।